वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुगत और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सभी इस प्रोग्राम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अरे भाई, इंतज़ार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी टॉप नाइन मज़ेदार खबरें जो आपको जानने को मिलती हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नज़र आज की हमारी टॉप नाइन मज़ेदार खबरों पर। अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली सोफिया हयात के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट पर एक यूजर ने कुछ मैसेज शेयर किए हैं जिसमें वो उनसे गंदी बात कर रहा है। दरअसल आबिक हुसैन नाम के एक शख्स ने सोफिया से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि एक रात का कितना लेती हैं? सोफिया ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा। एक ताना मारते हुए सोफिया ने बोला, बहुत शांत तरीके से पूछा। बता दे सोफिया ने इस शख्स को जवाब दिया, ये सवाल पहले तुम अपनी माँ बहन और पत्नी से पूछो। सोफिया के जवाब में उस शख्स ने लिखा, लेकिन अब वो आपकी तरह अपना शरीर नहीं दिखाती। सोफिया ने यह भी लिखा, मुझे ताज्जुब होगा अगर आज इसने रोजा रखा होगा। वहीं अगर बात की जाए सोफिया की तो बता दे हाल ही में सोफिया अपने पति से अलग हो चुकी है। सोफिया का कहना है कि उनका पति जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं निकला। इतना ही नहीं, सोफिया माँ बनने वाली थी लेकिन उन्होंने अपना बच्चा भी खो दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान रेस 3 और रेस 2 में उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस बार रेस 3 में सैफ अली खान की जगह सलमान खान नजर आने वाले हैं। और हाल ही में रेस 3 के डायरेक्टर यानी कि रेमो डिसूजा ने हाल ही में सैफ अली खान और सलमान खान के लिए एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें हाल ही में रेमो डिसूजा ने कहा कि वो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि सलमान के स्टंट के सामने लोग सैफ अली खान को भूल जाएंगे। इतना ही नहीं, रेमो डिसूजा का कहना है कि सलमान खान और सैफ अली खान के बीच तुलना सही नहीं है, दोनों की अलग तरह से फैन फॉलोइंग है। सैफ ने फिल्म के पहले दो पार्ट में बेहतरीन काम किया और अब सलमान की बारी है। बता दे रेमो का कहना है कि रेस 3 से पहले की दो फिल्मों में सैफ ने अच्छा काम किया, लेकिन इस बार दर्शकों को सलमान का तड़का देखने को मिलेगा और वो पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि सलमान के स्टंट के सामने लोग सैफ अली खान को भूल जाएंगे। इसी के साथ रेमो ने बताया कि रेस 3 पहली दोनों फिल्मों से काफी अलग है। इस बार सलमान ने फिल्म में 4 चांद लगा लिए हैं। फिल्म में डांस और एक्शन का मिला जुला तड़का देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये मसालेदार फिल्म होगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मशहूर सॉन्ग झुम्मा झुम्मा तो काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन उस फिल्म की हीरोइन किमी कटकर का कोई आज तक अता पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किमी कटकर कभी बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन हुआ करती थी, उन्हें झुम्मा झुम्मा गर्ल भी कहा जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के मशहूर गाने झुम्मा झुम्मा से किमी को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके अलावा वो टार्जन गर्ल के नाम से भी मशहूर रही। जानकारी के लिए बता दें किमी कटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। किमी ने 17 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्म पत्थर दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। किमी कटकर ने दूसरी फिल्म की टार्जन, इस फिल्म में उनका ग्लैमरस अंदाज लोगों को काफी पसंद आया था, लेकिन अब किमी का कोई अता पता नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें किमी का अब कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है, कहाँ रहती है, कैसी जिंदगी जीती है, इस बात का किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बॉलीवुड की चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अफेयर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं फैंस भी इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ में अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में इन दिनों काफी ज्यादा बिजी हैं। दोनों के सेट पर साथ आने जाने की फोटोज भी हाल ही में वायरल हुई थी और अब सामने आई है इन दोनों से जुड़ी एक और खास खबर। जी हाँ, हाल ही में शूटिंग के बाद आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के परिवार के साथ डिनर किया है। इसके बाद इनकी फैमिली डिनर आउटिंग की फोटो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। आलिया का कपूर परिवार से इतना मिलना जुलना देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आलिया भी जल्दी कपूर का परिवार की बहू बनने वाली है। वहीं अगर खबरों की माने तो रणबीर ने आलिया को बीते साल यानी कि नए साल पर प्रपोज भी किया था। इस दौरान ये कपल बुल्गारिया में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ गए हुए थे।
इसके बाद बुल्गारिया में रणबीर कपूर की मॉम नीतू सिंह भी पहुंची थी और उन्होंने आलिया के साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी। यहां तक कि आलिया भट्ट ने अपना जन्मदिन रणबीर और उनकी मां नीतू के साथ बुल्गारिया में ही मनाया था। अलादीन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जैकलीन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्म की सफलता के बाद वो आज एक अलग ही मुकाम पर है। तो साथ ही बता दे, हाल ही में जैकलीन ने काफी कुछ कहा है। तो वही गौड़ हो कि जैकलीन इन दिनों फिल्म रेस 3 में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है। तो वही हाल ही में जैकलीन ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री क्रूर है। दरअसल बता दे, एंटरटेनमेंट क्रूर बिजनेस है, जहां हर शुक्रवार चीजें बदल जाती हैं। सफलता का यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हर हफ्ते आप असलियत से रूबरू हो जाते हैं। ये सब बातें कही हैं जैकलीन ने। तो अब जहां जैकलीन सलमान खान के साथ काम कर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई है, तो वहीं दर्शकों को लगने लगा है कि जैकलीन ने सलमान पर तंज कस दिया। लेकिन पूरी सच्चाई से करा दे आप सभी को रूबरू। उन्होंने कहा है कि कभी कभी हम हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हर शुक्रवार फैंस लॉयल्टी बदल जाते हैं, और जब सब सही चल रहा होता है तो हम भूल जाते हैं कि आप किसी भी वक्त विफल भी हो सकते हैं। तो वहीं इसी के साथ बता दें कि जैकलीन इन दिनों सलमान खान के साथ उनकी फिल्म रेस 3 को लेकर बनी हुई है चर्चा में। सलमान की शादी कब होगी, इस बात का तो जवाब सिर्फ दबंग खान यानी कि सलमान खान ही बता सकते हैं। लेकिन हाल ही में सलमान ने अपनी शादी से जुड़ा एक बड़ा राज खोल दिया है। जी हाँ, इन दिनों सलमान खान रेस 3 के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। इसी दौरान सलमान अपनी रेस 3 की पूरी टीम के साथ एमटीवी के शो बाबा की चौकी पर जा पहुंचे। बता दें, शो के होस्ट संकेत भोसले ने संजू बाबा के स्टाइल में सलमान से सवाल किया। उन्होंने कहा कि रेस 3 से जिस जिस स्टार भी जुड़ा हुआ है उसकी शादी हो चुकी है, फिर चाहे वो विपाशा बासु हो या फिर सैफ अली खान। फिर उन्होंने आगे कहा कि अब किसकी शादी होगी। वेल, इतना तो ये तय है कि इस सवाल का सीधा सीधा निशाना केवल सलमान खान पर था। लेकिन सलमान खान भी कहां चुप बैठने वाले थे। सलमान खान ने भी इस बात का काफी मजेदार जवाब दिया। बता दे, मजाक में सलमान कहते हैं, तुम शादी की बात करते हो या बर्बादी की, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सबकी बर्बादी हुई है। वेल, सलमान की इस बात से तो ये साफ हो गया है कि सलमान खान फिलहाल शादी करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद के सौतेले भाई ईशान खट्टर जल्दी फिल्म धड़क में नजर आने वाले हैं, और फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान हैं। और हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर यानी कि शशांक ने जाह्नवी और ईशान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनने के बाद आप भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें, इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन डायरेक्टर शशांक अपने स्टार्स को इन सभी दबावों से दूर रखना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक शशांक ने कहा, मैं इन सभी बातों को नहीं मानता, कोई भी आपको भूलेगा नहीं और ना ही कोई आपकी तारीफें करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी खास परिवार से हो। दर्शक अगर किरदारों में आपको पसंद करते हैं तभी आप उनका प्यार पा सकेंगे। मैंने ऐसे ही उन्हें ट्रेन किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो किसी भी दबाव में रहें। इतना ही नहीं, शशांक ने आगे कहा कि ये दोनों कलाकार उनके साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही साथ थे। उन्होंने बताया, वो दोनों फिल्म की तैयारी में जुड़े फिल्म की टीम का एक अहम हिस्सा थे। उदयपुर में शुरू होने वाली मेरी फिल्म को लेकर पहली रेखी में जाह्नवी और ईशान दोनों मेरे साथ थे। वो दूसरी रेखी का भी खास हिस्सा बने हुए थे। हम तीनों शहर को समझने की कोशिश साथ में कर रहे थे। नए स्टार्स के साथ काम करना यही फायदा है, उनके पास आपको देने के लिए इतना समय है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे समझने के लिए वो तैयार होते हैं। हमने फिल्म शुरू होने से पहले जमीनी स्तर पर 6 महीने साथ काम किया। इससे उन्हें ये जानने का मौका मिला कि शहर में लोग कैसे दिखते हैं और वो कैसे बात करते हैं। इससे उन्हें अपने किरदारों को समझने की खूब मदद मिली। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सलमान खान जितने बड़े सुपरस्टार हैं, उतने ही उनके बॉलीवुड में दुश्मन भी बना रखे हैं। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई कि सलमान ने 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर इस सुपरस्टार के साथ काम करने का वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो सलमान खान अपने पसंदीदा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म कर सकते हैं।
बता दे हाल ही में सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बात की थी। बता दे सलमान ने कहा, मैं दबंग 3 की टू भारत और रेमो की डांस फिल्म कर रहा हूँ और संजय लीला भंसाली आकर मुझे स्क्रिप्ट सुनाए तो शायद वो फिल्म भी करूँ। हालांकि सलमान ने ये बात काफी मजाकिया तरीके से कही थी, लेकिन यदि ऐसा होता है तो फैंस को जबरदस्त सरप्राइज मिल सकता है। दरअसल फिल्म देवदास में जब संजय लीला भंसाली ने शाहरुख को साइन किया था तो सलमान काफी नाराज हुए थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ सलमान रहना चाहते थे, लेकिन भंसाली ने ऐसा होने नहीं दिया। तब से सलमान भंसाली से काफी ज्यादा नाराज थे और एक दूसरे से इन दोनों ने दुश्मनी मोल ले ली थी। बता दे सलमान को भंसाली की इस कदर गुस्सा था कि फिल्म गुजारिश के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया था, उस फिल्म को तो कुत्ता भी नहीं देखना चाहेगा। लेकिन अब दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है जल्दी भंसाली सलमान के साथ अगली फिल्म बनाएंगे और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सालों बाद सलमान खान और भंसाली बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएंगे। बॉलीवुड के झकास यानी कि अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर तो बड़े पर्दे पर काफी हिट रही हैं। हाल ही में सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग भी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन अनिल कपूर के बेटे यानी कि हर्षवर्धन कपूर फिल्मी पर्दे पर बुरी तरह पिट चुके हैं। लेकिन अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देखने के बाद अनिल कपूर ने बेटे को कुछ सक्सेस टिप्स दिए हैं। जी हां, आपको बता दें हर्षवर्धन कपूर ने फिल्म मनमर्जिया और भावेश जोशी में काम किया, लेकिन ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। वहीं उनके पापा अनिल कपूर एक सफल एक्टर हैं। जी हां, हाल ही में अनिल कपूर ने सोनम और हर्षवर्धन कपूर के बारे में कहा, मैं उन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा जो बात पसंद करता हूँ वो ये है कि वो कलाकार हैं और उन्हें कलाकार के रूप में पहचाना जाता है। बता दें अनिल कपूर 90 के दशक के सबसे सफल एक्टर में से एक हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में 35 साल के अपने करियर के बारे में अभिनेता का कहना है कि वो एक कलाकार के तौर पर समर्पित थे, इसलिए ही इतनी लंबी पारी खेल पाए। वेल दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी टॉप 9 मजेदार खबरें जो इस टाइम टॉप 9 पोजीशन पर अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। एक बार फिर लौटेंगे ऐसी कुछ मजेदार टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।